वेलकम, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस सीरीज में वीडियो सीरीज में सेमीकंडक्टर में मैंने बहुत कम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रखी हैं, तो आगे फ्यूचर में जब बनेंगी तो रखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बट अभी इस बार हमने ज़्यादातर कंसेप्ट बेस ही रखा है। तो आज एक आधी न्यूमेरिकल आएगा, उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टेम्प्रेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रोम, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड रैम। और टाइम स्टार्ट हो गया है, तो इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जब आप कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग्स पढ़ते हैं, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहाँ मेमोरीज के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है। और अब तो मोबाइल्स भी इतने ईजीली अवेलेबल हैं और सब लोग आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सबको पता है जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैसेट्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमी कंडक्टर। टाइम स्टार्ट नाउ। तो जो कैसेट्स हम यूज करते थे, अभी तो नहीं यूज होती हैं उतनी, तो जो ये यूज करते थे वो किस पे डिपेंड करता था? वो मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता था। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन डिजिट सिस्टम इज बाइट, बिट, बाइट, किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और ये सभी को पता है, तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन सभी ने भी लगा लिया होगा। बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमानेंट मेमोरी इज रोम, रैम, प्रोग्राम टेप, प्लेन डिस्क। और इसका भी आंसर आप सबने दे दिया होगा कि जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम रोम कहते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट विच ई इज ग्रेटर देन ई एफ फिल्ड इज 0, ट्रू और फॉल्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ कंडीशन देखिए, ई जो है ई एफ से ज्यादा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी 0 केल्विन नहीं है, उससे ज्यादा है। तो फर्मी ड्राक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी फील्ड इज 0, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो कुछ प्रोबेबिलिटी होती है ई एफ से ज्यादा लेवल पे भी, एनर्जी लेवल में भी इलेक्ट्रॉन्स के मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव डैश अवेलेबल फॉर कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, नन ऑफ द अबव। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सेमीकंडक्टर में कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अवेलेबल फॉर कंडक्शन बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड अ सेमीकंडक्टर, होल, इलेक्ट्रॉन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्या चीज आपको सेमीकंडक्टर से बाहर भी मिल जाती है, या कुछ नहीं मिलता है, या दोनों ही मिलते हैं? यस, करेक्ट ऑप्शन है होल्स। होल्स जो है सेमीकंडक्टर से बाहर नहीं मिलते हैं, वैलेंस बैंड में मिलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो होल क्रिएट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोपिंग एलिमेंट वुड नॉट बी सुटेबल फॉर कन्वर्टिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फास्फोरस, इंडियम, एंटीमनी, आर्सेनिक। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व नहीं करना है। और यस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडियम। इंडियम जो है, इंडियम जो है करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द फर्मी लेवल लाइज इन द बैलेंस बैंड, फॉरवर्डन बैंड, एनर्जी बैंड। इट कैन बी एनी ऑफ द अबव लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और टाइम स्टार्ट हो गया है, तो
इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल एग्जैक्टली जो लाई करता है वो फॉरबिडन बैंड में करता है, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में या और कहीं पे भी, किस पे डिपेंड करेगा कि हम डोपेंट कितना डालते हैं, और फिर वो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा। अगर हम डोपेंट या और कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाएगा, तो इंट्रेंसिक में फॉरबिडन रीजन में लाई करता है फर्मी लेवल। क्वेश्चन है ये, कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर सिग्मा एन इक्वल टू ई एन डी में भी सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम, सिग्मा आई इक्वल टू ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच, और सिग्मा पी इक्वल टू ई एन ए म्यू एच। तो इस पे क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और जैसा ये पी टाइप के लिए है ऐसा एन टाइप के लिए भी आ सकता है। तो आपको इंट्रेंसिक का अगर एक्सप्रेशन पता है तो हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और यस क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर इंप्योरिटी की एक्सेस हो जाती है वहाँ पर मेजॉरिटी, तो सिग्मा पी इक्वल टू ई एम ए म्यू एच करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शंस वही हैं, आपको इसमें एन टाइप के लिए चूज करना है, ठीक है, और हम बता ही चुके हैं ये तो अब पी टाइप के लिए है। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए, तो सेम वही चीज बोलेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी ऐड करने पे होता है, और किस तरह की इम्प्योरिटी डोनर एटम की एक्सेस हो जाती है, तो सेम जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और जी तो हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल इज 0.3 V अबव द बैलेंस बैंड एट 300 केल्विन, द न्यू पोजिशन ऑफ फर्मी लेवल एट 330 केल्विन इज 1.7 EV, 0.33 EV, 1 EV, 0.4 EV, टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का एक्सप्रेशन पता है तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ई सी माइनस के टी लॉग एन सी अपॉन एन डी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बताया भी था कि कंडक्शन बैंड से नीचे फर्मी लेवल मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये सब कुछ एक्सट्रेंसिक का सेमीकंडक्टर है, ये इंट्रेंसिक है, बैलेंस बैंड है, और इसके बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 0.3 EV। तो आप यहाँ से एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे, बल्कि इसको रिलीज कर देती हूँ, ई सी माइनस ई एफ की जो आएगी के टी लॉन्ग एन सी अपॉन एन डी, इक्वेशन वन। आप इसको दो बार लिखिएगा, एक बार हम इसको फर्स्ट कंडीशन में 3000 के लिए लिखेंगे, दूसरे में हम 330 के लिए लिखेंगे टेम्परेचर के लिए, और एक बार ई सी माइनस ई एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 300 केल्विन पे, 330 पे आपको निकालना है। तो दो इक्वेशन बनाइएगा, डिवाइड करिएगा, और आपका जो आंसर है ये 0.33 EV आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा सेमीकंडक्टर का, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इज 0.3 EV अबव द बैलेंस बैंड एट 300 केल्विन, द न्यू पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल एट 400 केल्विन इज 1 EV, 0.33 EV, 0.7 EV, 0.4 EV, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का एक्सप्रेशन पता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, log NC upon NA। आपको मैंने बताया भी था ये कंडक्शन बैंड है, ये फर्मी लेवल है इंट्रिंसिक की, ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल ईवी है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है फर्मी लेवल इससे ऊपर होता है, और इसके बीच का डिफरेंस दे रखा है दैट इज ई एफ माइनस ई वी की वैल्यू 0.3 EV दे रखी है। तो ई एफ माइनस ई वी आपको क्वेश्चन में दिया है के टी लॉन्ग
एन सी अपॉन एन डी, एक जनरल एन ए सॉरी एक्सप्रेशन बन गया है। तो यहाँ पर भी दो केस हैं, एक केस है 3 eV 300 केल्विन पे है, 400 पे आपको एफ माइनस ईवी की वैल्यू निकालनी है। टी रखिएगा, दो एक्सप्रेशन आएंगे, डिवाइड करिएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसका आंसर आएगा 0.4 eV। तो यहाँ पे हम लास्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का, और फिलहाल सेमीकंडक्टर की सीरीज भी लास्ट करते हैं, लास्ट वीडियो था इसका। और अभी हम जो है पोलराइजेशन, और जो मेरे पास और रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट सेक्शंस में, उनकी वीडियोस लेकर आएंगे। सेमीकंडक्टर के फिलहाल ये लास्ट है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, और कमेंट करते हुए अगर कोई डाउट हो रहा है तो। हैव अ गुड डे।